ओके अच्छा यहाँ तक हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, फिर उसके बाद एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा फॉर्मूला हमने लिख लिया और ये कैलकुलेशन समझ आ गई। क्या अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन है। अच्छा सेल्स है आपके पास 15,000, एक्सक्लूडिंग वेट, परचेजेस 10,000, एक्सक्लूडिंग वेट। अच्छा वेट पेबल और रिफंडेबल कैलकुलेट करना। करवाता हूँ सॉल्व। तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, वेट टेबल का फॉर्मूला क्या है आपका, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू वेट टेबल और रिफंडेबल। ठीक है अच्छा वैल्यू सपोर्ट करते हैं, आउटपुट टैक्स है आप यहाँ, आउटपुट टैक्स होता है वेट ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है 15,000। अच्छा रेट हम वही यूज करेंगे 17.5%, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से। अच्छा डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग वेट, एक्सक्लूडिंग मीन्स नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट गिवन है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओके इनपुट टैक्स होता है वेट ऑन परचेज, परचेजेस हैं 10,000, मल्टीप्लाई करें 17.5 से, और इसे भी हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग वेट मीन्स नेट अमाउंट। ओके अभी आउटपुट टैक्स कितना आ रहा है, और इनपुट टैक्स 1750 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 875। पॉजिटिव आंसर तो ये होगा वैट पेबल, पेबल आ जाएगा। ठीक अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है सेल्स 20,000 इंक्लूडिंग वैट, परचेजेस 16,000 इंक्लूडिंग वेट। अच्छा ये इंक्लूडिंग है दोनों, यानी कि ग्रॉस अमाउंट दिए हुए। इसमें कैलकुलेशन अब होगी, तो आउटपुट टैक्स तो सेल्स हैं 20,000, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 और डिवाइड 117.5 से। तो इनपुट टैक्स होता है वेट ऑन परचेज, परचेजेस हैं 16,000, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से, और ये भी इंक्लूडिंग है तो इसको भी डिवाइड करेंगे 117.5। आउटपुट टैक्स बताएं कितना आ रहा है 2,978, और इनपुट टैक्स पे राउंड ऑफ कर देते हैं फिलहाल 0.72, इनपुट टैक्स 383, और डिफरेंस 596.72। तो ये आंसर आ गया 596.72 वेट पेबल, पेबल हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट याद रखना है, इंक्लूडिंग है तो 117.5 से डिवाइड करेंगे और एक्सक्लूडिंग है तो 100 से डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट अच्छा थर्ड क्वेश्चन। ओके अब इसमें सेल्स एक्सक्लूडिंग वेट 5,000 और परचेजेस हैं इंक्लूडिंग वेट 15,000। अच्छा अब एक इसमें एक्सक्लूडिंग है यानी कि नेट अमाउंट, और इंक्लूडिंग ग्रॉस। अच्छा आउटपुट होता है वेट ऑन सेल्स, सेल्स हैं 5,000, मल्टीप्लाई करते हैं 17.5 से और डिवाइड करेंगे 100 से। इनपुट टैक्स वेट ऑन परचेज, परचेजेस हैं 15,000 की, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से और डिवाइड 117.5 से कर। तब ये आउटपुट टैक्स कितना है 875, और इनपुट टैक्स 234। डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है 1359 नेगेटिव, और नेगेटिव मीन्स रिफंडेबल होता है। ठीक है देख लेते हैं ये आ गया। ठीक है
कॉपी कर लें। कैलकुलेशन हो गई, आप इसकी कुछ एंट्रीज और या अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेल्स की एंट्री पहले बनाते हैं। ये गुड सेल की नेट अमाउंट है 800, टैक्स चार्ज हुआ 140 का, ग्रॉस अमाउंट 940। अच्छा, नॉर्मली वैसे सेल्स की एंट्री होती क्या है? उससे पहले हम जो बनाते हैं एंट्रीज विदाउट टैक्स, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? पूरी एंट्री बताएं, डबल एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स पेड होता है, राइट? अच्छा, फिलहाल हम सपोज कर लेते हैं, हाँ कैश, राइट, तो अब रिसीवेबल या कैश डेबिट हो जाता है। अच्छा, तो रिसीवेबल डेबिट कितने से करेंगे आप? 800 से 940 से? 940 कस्टमर से, तो हम ग्रॉस अमाउंट रिसीव करेंगे ना, कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा 940 से। अच्छा, इस 940 में हमारी इनकम कितनी होगी? 800, तो सेल्स हम क्रेडिट करेंगे 800 से, और इस पे जो वैट है ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, कि अब हमने गवर्नमेंट को 140 पे करना है, तो ये क्रेडिट में है। ये इसकी कंप्लीट एंट्री होगी, अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, वैट क्रेडिट हो जाए। ओके अच्छा, ये सेल्स की एंट्री हो गई। अब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने 800 की गुड्स सेल की थी, जिसमें से कस्टमर्स ने 200 की गुड्स रिटर्न की। जब 200 पे टैक्स कितना बनेगा? 35, तो ग्रॉस हो गया 235। ओके, तो अब हम कस्टमर को कितने पैसे रिफंड रिटर्न करेंगे? 235, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न तो हो जाएंगी डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होंगे 200 से, और कैश या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा 235 से, और वैट डेबिट हो जाएगा 35 से, और कैश रिसीवेबल क्रेडिट 235। अच्छा, अब वैट यहाँ पर डेबिट क्यों हो रहा है? तो देखिए, सेल्स के एंट्री में वैट को हमने क्रेडिट क्यों किया था? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी इस वक्त, कस्टमर को हमने गुड सेल की थी, 140 का टैक्स हमने रिसीव किया, तो यहाँ पे लायबिलिटी आ गई कि अब हमें गवर्नमेंट को 140 पे करना है, तो यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। अब रिटर्न के टाइम पे क्या होगा कि अब हम कस्टमर को 35 का टैक्स रिटर्न कर देंगे ना, तो हमारी लायबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। सेल्स के टाइम पर हमने टैक्स रिसीव किया था 140, गवर्नमेंट को पे करना थे 140, अब सेल्स रिटर्न के टाइम पे हम 35 कस्टमर को रिटर्न कर देंगे ना, तब गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना होगा? 105 का। तब हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट डिक्रीज होगी, इसलिए वैट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो सेल्स के टाइम पर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, रिटर्न सेल्स रिटर्न के टाइम पर लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इसलिए वैट डेबिट होगा। रिटर्न आप परचेज की एंट्री बनाते हैं। परचेजेस एंड अमाउंट है 400, टैक्स 70, ग्रॉस 470। अच्छा, वैसे परचेज की एंट्री होती क्या है? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है, तो यहाँ भी परचेज को तो हम डेबिट करेंगे 400 से, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा 470 से। अच्छा, वैट किस साइड पे आएगा? वैट, हाँ, इसमें वैट आ जाएगा डेबिट पर, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा 470। तो अब वैट डेबिट क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप एज अ बिजनेसमैन सोचे ना, अब आपने एक कंपनी से रॉ गुड्स खरीदी, टैक्स पे किया, तो ये अब को रिफंड होगा या नहीं होगा? ये आपके लिए रिफंडेबल हो जाएगा ना। देखिए, कस्टमर को आप गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल करते तो वक्त आप कस्टमर से टैक्स रिसीव करते हैं, तो वो आप पे लाइबिलिटी आ जाती है कि अब आपने वो गवर्नमेंट को पे करना है। अब आपने खरीदते वक्त होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आपको रिफंड होना चाहिए या नहीं? रिफंड होगा, राइट? तो परचेज पे जो टैक्स पे करते हैं इनपुट टैक्स, वो हमारे लिए रिफंडेबल, इसलिए डेबिट साइड पर है। सेल्स के टाइम पे रिसीव कर रहे हैं वो पेबल है, परचेज के टाइम पर पे कर रहे हैं वो रिफंडेबल। दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं।
अगर आउटपुट ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनपुट ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट से रिफंड लेते हैं। ठीक। अच्छा, इसको मैं आपको इस एग्जाम्पल से और क्लियर करता हूँ। जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना, बस आपको ये समझा देता हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसको जरा फॉर्मूले से समझते हैं। देखिए, इसमें फॉर्मूले में क्या लिखा है, वैट पेबल और रिफंडेबल। तो यहाँ पे वैल्यू सपोज कर लेते हैं, उससे ये आपको बेहतर समझ में आएगा। इनपुट की नेचर क्या है, आउटपुट की नेचर क्या होती है। आप सपोज करें आउटपुट टैक्स है हमारा 20,000 का और इनपुट टैक्स था 15,000, आंसर क्या आएगा, 5,000। ये पेबल है, रिफंडेबल है, 5,000 पेबल होंगे ना, पॉजिटिव आंसर है, पेबल है। अच्छा, देखिए आपने एक मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में एक रूल होता है, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव तो साइन कौन सा लगता है, बड़ी वैल्यू का। तब यहाँ पे 5,000 के साथ पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन किसका है, 20,000 का, बड़ी वैल्यू का। अभी 5,000 को हम कह रहे हैं पेबल, तो इट मीन्स ये 20,000 में क्या आते हैं, पेबल है ना, 20,000 क्या है, पेबल। ठीक, तो इट मीन्स आउटपुट टैक्स की नेचर क्या होगी, पेबल की। तो आउटपुट टैक्स सेल्स के टाइम पे आप रिसीव करते हैं तो आप पे लाइबिलिटी आ जाती है कि आपने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स की नेचर क्या है, पेबल। अच्छा, आप सपोज करें आपका इनपुट टैक्स जो है वो है, को इंक्रीज कर देते हैं 23,000 कर लेते। अब आंसर क्या आएगा, -3,000, तब ये हो जाएगा रिफंडेबल। साइन कौन सी लगी, ग्रेटर वैल्यू की, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, इनपुट। तो इनपुट की नेचर क्या हो गई, रिफंडेबल, कि परचेज के टाइम पर जो आप पे करेंगे वो आपके लिए रिफंडेबल। तो इसलिए परचेजेस के टाइम पर वैट कहाँ आएगा, डेबिट साइड। तो इस तरह याद रखिए। तो आउटपुट टैक्स की नेचर क्या है, पेबल, और इनपुट की नेचर क्या है, रिफंडेबल। यहां मैं लिख भी देता हूँ, ये आपको बेहतर है, ये पेबल है इसकी नेचर, आउटपुट की नेचर पेबल, ये लिख लीजिएगा अपने पास, और इनपुट की नेचर रिफंडेबल। ठीक है, दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, अगर पेबल ज्यादा है तो पे कर देंगे इन, और इनपुट ज्यादा है तो रिफंड क्लेम कर। तो ये है सिलसिला कुछ इस तरह से। तो ये अपने पास नोट भी कर लें, आउटपुट के साथ लिख दें पेबल और इनपुट के साथ लिख लें रिफंड। जैसे एक्सपोर्टर की हमने बात की थी, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप टैक्स पे करेंगे, इनपुट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट करेंगे तो आउटपुट आपका जीरो होगा, तो आंसर क्या आएगा, रिफंडेबल। तो इट मीन्स परचेज के टाइम पर जो टैक्स आप पे करेंगे वो आपके लिए रिफंडेबल, और रिफंडेबल की नेचर क्या है, एसेट, इसलिए एंट्री में कहाँ आएगा, डेबिट साइड। परचेजेस की एंट्री कॉपी कर लें। परचेज रिटर्न की एंट्री बनाते हैं, अब वो रिवर्स हो जाएगी। अब अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट और वैट क्रेडिट, कॉपी कर लें परचेज रिटर्न। तभी हो गए सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न। अब हम एंट्री बनाएंगे पेमेंट और रिफंड की। अच्छा, अब हम पूरे मंथ सेल परचेज रिटर्न करते रहे, मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आंसर आया वैट पेबल। अब हम गवर्नमेंट को वैट पे कर रहे हैं, पेमेंट के टाइम पर एंट्री क्या होगी, अब वैट पेबल लायबिलिटी है, वैट पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक क्रेडिट, ये पेमेंट एंट्री हो जाएगी। पेमेंट ऑफ वैट, वैट डेबिट, कैश क्रेडिट। फिलहाल अमाउंट नहीं, ये हो गई पेमेंट की एंट्री। आप रिफंड की एंट्री बनाते हैं, रिफंड ऑफ रिफंड, इसमें एंट्री होगी कैश या बैंक डेबिट और वैट रिफंडेबल क्रेडिट हो जाएगा। रिफंड की एंट्री कैश डेबिट, वैट रिफंडेबल क्रेडिट।
अब इसके बाद वैट का टी अकाउंट भी बनाएंगे। अच्छा अब ये तो हो गई एंट्री, उसका एक टी अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर एक टी अकाउंट बनेगा। अच्छा अगर आपको क्वेश्चन में वैट का ओपनिंग बैलेंस गिवन कि वैट पेबल एट स्टार्ट या वैट रिफंडेबल एट स्टार्ट, अच्छा अगर वैट पेबल है ओपनिंग बैलेंस तो किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट पे, और रिफंडेबल होगा तो डेबिट। तो वैट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट, पेबल के केस में क्रेडिट बैलेंस होगा, रिफंडेबल के केस में डेबिट हो जाएगा। अच्छा नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि वैट लाइबिलिटी है। अच्छा अब जो हमने एंट्रीज बनाई थी वो यहाँ पोस्ट करेंगे। अच्छा सेल्स की एंट्री देखें, सेल्स के टाइम पे वैट क्रेडिट हो रहा है तो वैट ऑन सेल्स क्रेडिट आएगा, और रिफंड के टाइम पर, सेल्स रिटर्न के टाइम पे वैट डेबिट हुआ, डेबिट आ जाएगा। अच्छा परचेजेस की एंट्री में वैट डेबिट है, डेबिट हो गया, और परचेज रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट होगा, क्रेडिट पर। अच्छा इसके बाद पेमेंट हमने की है तो पेमेंट में वैट डेबिट हुआ, वैट डेबिट, और रिफंडेबल में वैट क्रेडिट होता है। ये एंट्रीज पोस्ट हो गई, आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा जिस तरह से ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट या क्रेडिट आ सकता है। अच्छा ये इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट है, बाकी क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में उसमें एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक क्लोजिंग। यहाँ मैंने दोनों लिख दिए, एक कंप्लीट फॉर्मेट आपके पास आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा देखिए अब ये टी अकाउंट कहाँ यूज होगा, फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, तो क्वेश्चंस में अगर आपको सेल्स और परचेज गिवन होंगी वहां यूज करेंगे फॉर्मूला, और अगर क्वेश्चन में आपको सेल परचेज के अलावा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है, रिफंड या पेमेंट वगैरह गिवन है तो फिर हम टी अकाउंट बनाएंगे। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में डेटा आपको क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा।